और वैसे भी सांता क्लॉस इस साल क्रिसमस पार्टी पे बच्चों को आपकी तरफ से कभी ना खत्म होने वाली आइसक्रीम का नल, फिर कभी ना खत्म होने वाली केक की दुकान और चॉकलेट्स की बारिश के बारे में भी बता दिया है। अरे वाह बालवीर, फिर तो ये क्रिसमस बच्चों के लिए एकदम खास होगा। हाँ, और ऐसा जश्न कभी नहीं हुआ होगा ना बालवीर। गालपरी, अभी बच्चों के उपहार बनने में और कितना समय है? बस कुछ ही देर में बच्चों के सारे उपहार तैयार हो जाएंगे। ठीक है। बालवीर, क्या बन रहे सिर्फ तोहफे इस बार बच्चों के लिए? क्या नहीं बन रही चॉकलेट्स इस बार बच्चों के लिए? नहीं। अरे डूबा डूबा, आपको पता नहीं इस बार हम बच्चों के लिए चॉकलेट्स तो बना ही नहीं रहे। क्या अब इस बार चॉकलेट्स ही बना रहे? लेकिन लेकिन नटखट परी, बिना चॉकलेट्स के तो बच्चों का क्रिसमस अधूरा ही रह जाएगा। हाँ। आपको पता है ना, बच्चों को सबसे ज्यादा चॉकलेट्स ही पसंद है। हाँ बालवीर, ये तो है। और हमारे भी मतलब जब तक नहीं खाएंगे हम चॉकलेट्स, नहीं आएंगे हमारे चेहरे पर पूरी खुशी। परियों, अब चॉकलेट्स बनाना कैसे भूल सकती है? अब हम क्या करेंगे? बालवीर फंस गया परियों के मजाक में। मजाक? हाँ बालवीर। बालवीर, गालपरी ने कहा कि इस बार हम चॉकलेट्स नहीं बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चों को इस बार चॉकलेट्स मिलेंगी ही नहीं। बच्चों को क्रिसमस पे चॉकलेट्स मिलेंगी भी और चॉकलेट्स बनेंगी भी। लेकिन चॉकलेट्स कहाँ बन रही है? चॉकलेट लोक में। चॉकलेट लोक? हाँ। चॉकलेट लोक ये कहाँ है? मैंने तो इससे पहले इस चॉकलेट लोक के बारे में सुना ही नहीं। और हाँ, हाँ चॉकलेट्स बनाता कौन है? बालवीर, चॉकलेट लोक में एक चॉकलेट अंकल है जो बच्चा लोग के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स बनाते हैं। चॉकलेट अंकल? आपकी बातें सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है चॉकलेट लोक में जाने का। चॉकलेट लोक है ही ऐसा बालवीर के वहाँ जाने का मन हो जाए। और उस चॉकलेट लोक की सबसे अच्छी बात यह है, चॉकलेट अंकल की चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री। हाँ। जिसमें अनगिनत बच्चे लोग के लिए स्वादिष्ट चॉकलेट बनती ही रहती है। सुनकर ये सब आ गया मेरे मुंह में पानी। तो अपना मुंह बंद रखो डुबा डुबाए, क्योंकि वो चॉकलेट्स बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। हाँ बाली, इस बार बच्चों के लिए इतनी स्वादिष्ट चॉकलेट्स बनेंगी कि उनका स्वाद बच्चे कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ। वाह, बच्चों की खुशी के लिए चॉकलेट बनाई जा रही है। मेरे प्यारे बालवीर और भोली पल्ली, चॉकलेट लोग की ये चॉकलेट बच्चों को खुशियां नहीं बल्कि गम देंगी। अब देखना बुराई के कैसे सुर बजाती हूँ मैं। ये बल्लू भी कितना बड़ा लल्लू है ना। कल हमारे स्कूल में क्रिसमस की पार्टी है जहाँ आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, जूस और स्पेशली सांता क्लॉस होंगे। लेकिन ये सब छोड़ के वो जा रहा है अपने चाचा के यहाँ। लेकिन महर, तुझे तो पता है ना कि बल्लू अपने चाचा की हर एक बात सुनता है, इसीलिए बल्लू के चाचा बल्लू को जब भी बुलाते हैं बल्लू को जाना पड़ता है। वो तो है, पर महर तू ये सब छोड़ और जल्दी से घड़ी में 7 बजे का अलार्म लगा दे। क्यों, पढ़ने के लिए? नहीं, नाचने के लिए। तो सही सही बता वरना पीट दूंगी।
किसे? इस घड़ी को? अब तो सच में पीता। अरे मैं, तू इतना गुस्सा क्यों करती है? तू भूल गई? हमें सुबह उठते ही पापा के पास जाना है और उनसे पार्टी की परमिशन लेनी है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। पापा का मूड सुबह सुबह कितना फ्रेश होगा ना हमें डांटने के लिए। सॉरी, जोक था। मानव, तू ना एक बार कान खोल के सुन ले। इस पार्टी के बारे में ना कोई जोक नहीं, समझा? इसीलिए इससे पहले कि पापा का सुबह सुबह मूड खराब हो जाए, हम उससे पहले इस पेपर पे साइन करवा लेंगे, ओके? और वैसे भी मैं कल तो लास्ट है स्कूल में परमिशन लेटर देने का, और अगर कल पापा इस परमिशन लेटर पे साइन किए बिना ही ऑफिस चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। माना, एक बात बताऊं, तू ये सब खराब बातें ना मत किया कर, वरना सचमुच में ना मैं तुझे पीट दूंगी। चले अब तो सो जा। और मैं भी सो जाती हूँ। देख क्रिसमस पार्टी के सपने। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। मतलब महर, हमारी मॉर्निंग शुभ होनी चाहिए इसलिए गुड मॉर्निंग। होनी चाहिए नहीं मानव, होगी, जरूर होगी, क्योंकि कल हमारे पार्टी में होंगे सांता क्लॉज, बालवीर और हम सब बच्चे। गुड नाइट। गुड नाइट। तौबा 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 तौबा, यहाँ है? कहाँ हो तुम तौबा तौबा? अरे हूँ मैं यहाँ। है क्या तकलीफ आपको छलपरी? नहीं देखा जाता कि आपसे ये खाऊं मैं कुछ आपके थप्पड़ों की सुबह? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जो भी खाओ वो मजेदार। क्या थप्पड़? नहीं, तुम्हारा खाना। और इसीलिए मैं तुम्हारे खाने को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए चूरन लाई। ये लो, खाओ इसे। नहीं नहीं, है नहीं भरोसा मुझे आप पे। क्या कहा? नहीं मतलब नहीं चाहिए मुझे ये खाना, पर दीजिए आपका ये स्वादिष्ट खाना बनाने वाला चूरन इस पे दीजिए। हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ता है? धुन अच्छी होनी चाहिए, फिर चाहे उसे तुम गाओ या मैं। खाओ खाओ। आपका ये चूरन कुछ फर्क नहीं पड़ा इसके स्वाद में तो इससे। स्वाद आएगा तौबा तौबा, बहुत स्वाद आएगा, लेकिन तुम्हें नहीं मुझे। अरे हुआ कैसे मैं इतना छोटा? ए, ए, चल परी, ए, ए, चल परी, ए, चल परी। अरे सुन रही हो ना आप मुझे? ए, चल। अरे परी भयंकर, समझाइए इस चल परी को। देखिए क्या किया है मेरा हाथ इस छल परी ने। देखा भयंकर परी, मेरे जादुई चूरन का कमाल। बस अब मैं ये जादुई चूरन क्रिसमस में बटने वाले चॉकलेट्स में मिलाऊंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।